कश्यपपुर रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। दोस्तों एक एक झलक जो आपने अभी वीडियो देखी उन्हीं वीडियो को लेकर अपडेट देने वाला हूं किस तरीके से सोशल मीडिया पर अभी कुछ वीडियोस वायरल हो रही है। कुछ वीडियो मनीष कश्यप और उनके समर्थक से जुड़ी है तो कुछ वीडियो गोदी मीडिया से भी जुड़ी है। एक तरफ मनीष कश्यप के समर्थक सड़कों पर उतरे हैं, मनीष कश्यप के सपोर्ट में नारा लगा रहे हैं, रिहाई की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये वीडियो भी वायरल है और बताया जा रहा है कि देखिए किस तरीके से मुसलमान लोग हाथों में डंडा लेकर घूम रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, आइए एक तरफ से आप लोगों को बताते हैं। देखिए मनीष कश्यप को तमिलनाडु और बिहार के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बिहार में जितने सारे मनीष कश्यप के समर्थक हैं लगभग सभी समर्थक ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं कि 23 मार्च को यानी आज बिहार बंद रहेगा। साथ ही साथ सड़कों पर उतरे हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, उनके सपोर्ट में नारा लगा रहे हैं, रिहाई की मांग हो रही है। एक झलक वीडियो देखिए। जिस तरीके से मनीष कश्यप के समर्थक बिहार बंद रहेगा 23 मार्च को ये ट्रेंड चला रहे थे, साथ ही साथ उसी के खिलाफ ये भी ट्रेंड चल रहा था कि बिहार 23 मार्च को बिहार बंद नहीं रहेगा और कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही थी कि देखिए बिहार बंद नहीं है, सारी की सारी दुकानें खुली हुई है और गाड़ियाँ चल रही है, वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों मनीष कश्यप के समर्थकों का कहना है कि मनीष कश्यप बिहार के मजदूरों के लिए आवाज़ उठाते हैं, मजदूरों का दर्द बताते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, इसीलिए मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आपको भी पता होगा मनीष कश्यप को बिहार और तमिलनाडु के बीच नफरत और झूठी खबर फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है, आपको भी पता होगा। अब आइए इस वीडियो को लेकर, ये वीडियो ये बताकर शेयर किया जा रहा है कि देखिए पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की गुंडागर्दी, ये बताकर शेयर किया जा रहा है। कुछ गोदी पत्रकार, गोदी लोग, गोदी मीडिया लोग इस तरह की वीडियो शेयर कर रहे हैं। अब आइए इस वीडियो की हकीकत देखिए। जिस तरह से मनीष कश्यप बिहार और तमिलनाडु के बीच नफरत फैला रहे थे, झूठी खबर, झूठी वीडियो फैला रहे थे, उसी तरह कुछ लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं नफरत फैलाने के लिए। इस वीडियो की हकीकत ये है दोस्तों, फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर फैक्ट चेक करके बताते हैं कि ये वीडियो भारत की वीडियो नहीं है, बांग्लादेश की वीडियो। आप समझ सकते हैं कहाँ की वीडियो है और उठाकर भारत में शेयर किया जा रहा है ये बताकर कि देखो मुसलमान लोग क्या कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। पूरी वीडियो को लेकर अगर राय देना चाहते हैं तो कमेंट में दे सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मैं मिलूँगा किसी दूसरी वीडियो के साथ।